हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर दो है, चैप्टर नंबर दो अपना चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल बच रहे हैं, न्यूमेरिकलों को हम चेक करते हैं। देख क्वेश्चन है हमारा पहला, कुछ क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करा चुका, जो बच रहा है उनको मैं करा रहा हूँ। एक साबुन के बुटले के अंदर एक साबुन के बुलबुले के अंदर बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब सामान है, साबुन के घोल का पृष्ठतना, साबुन के घोल का पृष्ठतना, साबुन के घोल का पृष्ठतना 0.04 न्यूटन बटे मीटर, 0.04 न्यूटन बटे मीटर है तथा साबुन का व्यास 4 सेंटीमीटर है। साबुन का व्यास 4 सेंटीमीटर है। साबुन का व्यास 4 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर है, बाहर दाब का मान कैसा है? समान है। साबुन के घोल का पृष्ठतनाव कितना दे रखा है? 0.04 न्यूटन बटे मीटर है तथा साबुन के बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करना। तो आवेश का मान ज्ञात कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो क्या होगा इसका। साबुन के बुलबुले के अंदर है, बाहर दाब समान है, साबुन के घोल का पृष्ठतनाव, पृष्ठतनाव को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? टी से, 0.04 न्यूटन बटे मीटर है तथा साबुन के बुलबुले का व्यास, व्यास दे रखा है अपन को 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे अपन, त्रिज्या इसमें आर बराबर कितना हो जाएगा? 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ किस इकाई में दे रखा है? एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में दे रखा है, और यहाँ त्रिज्या किस पद्धति में दे रखी है अपन को? सीजीएस पद्धति में। तो इसको भी किसमें बदलना पड़ेगा? एसआई पद्धति में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 2×10^-2 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, 10^-2 से गुणा कर देते हैं। तो बुलबुले पर आवेश, बुलबुले पर आवेश, बुलबुले पर आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? क्यू से। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 4π अंडर रूट, सूत्र क्या था? क्यू बराबर 4π अंडर रूट 8t ε₀ ε₀r³। ये हमारे पास सूत्र था। यहाँ टी का मान दे रखा है, ε₀ का वैल्यू अपन जानते हैं, r की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है, उसमें अपन मान रख देंगे। मान रखने के बाद में हमारे पास बुलबुले पर जो आवेश है उस आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। क्यू बराबर 4, पाई का मान कितना हो गया? 3.14।
अंडर रूट एट, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.04 एंटी एस एल जीरो 8.85 × 10^-12 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 × 10^-2 कितनी होगी 6। इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे 2 × 4 = 16, 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12 अंडर रूट 8.8 × 0.04 8.85 × 10^-12 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 2 की पावर 3 कितनी होगी 8 × 10^-6 और इसको सॉल्व कर लेते हैं 12.56। अब देखिए ये हो गया 8.64, ये क्या हो गया 4/100 ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 885/100 इंटू यहाँ कितना हो गया 12 और 6 कितना हो गया 12.56 इंटू इसका कितना हो गया अंडर रूट 8, इसका अंडर रूट कितना हो गया 2 8.85 × 10^-18 और 10^4 और ऊपर जाएंगे 10^4 माइनस को इसको हल करेंगे q = 12.56 × 8 = 16 अंडर रूट 885 × 10^ कितनी बच गई 22 माइनस का 22। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद में इसकी पावर कितनी निकले जाएगी 11 और इसका अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास q = 12। जब हल करेंगे, हल करने के बाद में पूरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59.8 × 10^-9 जब इसको और 10^-9 जो 9 है 9 को अपन क्या लिख सकते हैं नैनो, कितना लिख सकते हैं नैनो अर्थात q = 59.8 नैनो। ये क्या आ जाएगा आवेश की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। और दिक्कत जो वैल्यू अपन को दे रखी है उसको अपन रखो, रखने के बाद में जैसे सूत्र अपन लिखेंगे सूत्र के अंदर सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी और उसको क्या करना है हल करना है। हल करने पर जो बुलबुले पर जो आवेश का मान है वो आवेश का मान हमको प्राप्त ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है।
लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम दस्तावेज कलम की चालक कष्ट पर न्यूनतम कष्ट आवेश कलम की गणना की कष्ट आवेश कलम की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकरा इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर आ रही है। प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है, उसको चालक प्लेट के लंबवत क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दाग रहे हैं। चालक पृष्ठ पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करना है और इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से टकराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता इससे पृष्ठ से टकराएंगे, से पहले उसका पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अपन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए ये क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। हल करना है एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो ई से करेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी होगी तो यू से, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो के से। तो अपन जनरली एनर्जी अपन को ई से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ई से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ई वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान आएगा, तो विद्युत क्षेत्र में अपन ई से प्रदर्शित करेंगे उसको, तो इसको नया नाम के देते हैं, ऊर्जा के। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं, के से। कितना है, 10^3 इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी होगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, 5 mm दूरी, mm को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10^-3 से गुणा करते हैं। mm को मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10^-3 से गुणा। तो दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं कर रहा हूं d से, d बराबर 5 mm बराबर 5×10^-3 मीटर। किसका मान चाहिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना होगा, सिग्मा का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है सिग्मा। 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कुछ, विभव v बराबर, अपन अगला चैप्टर में पढ़ेंगे विभव, V बराबर पड़ा था डब्लू अपॉन क्यू, V बराबर डब्लू अपॉन क्यू। अब देखिए कार्य है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर, तो इसको मैं यू भी तो लिख सकता हूँ, K अपॉन क्यू, आवेश है, आवेश का मान कितना होगी, E का मान इधर रखेंगे अपन, तो K बराबर मैं यू लिख सकता हूँ, V सकता नहीं लिख सकता, दोबारा देखो, विभव भी बराबर होता है डब्लू अपॉन क्यू, आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा
उसमें भी अपन विभव का टॉपिक पढ़ेंगे। V बराबर W अपॉन Q, कार्य ऊर्जा प्रमेय 11वीं क्लास में पढ़ी थी। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, W बराबर कितने होती है कार्य के बराबर, ऊर्जा के बराबर, और ऊर्जा को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, K से। K बटे में कितना हो गया आवेश, आवेश को प्रदर्शित कर रहे हैं E से, अर्थात V बराबर K अपॉन E। K बराबर कितना हो जाएगा V, मैं लिख सकता हूं ऊर्जा, ऊर्जा K बराबर V E। अब देखिए K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, तो यहाँ पर V E, तो V बराबर कितना हो जाएगा 10³ वोल्ट। V की वैल्यू मिली नहीं, V की वैल्यू मिली नहीं मिली। अब देखिए अब यहां पर देखिए ये डायरेक्ट ई से इस नहीं करता है, उसका भी कारण होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, 1.6 × 10⁻¹⁹ और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ इसलिए ये क्या हो जाता है कैंसिल, ठीक है। वैसे डायरेक्ट इसको काट दिया तो V की वैल्यू हमारे पास ही आ गई। एक चीज और आप इनमें संबंध देखिए, संबंध पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, संबंध क्या होता है E बराबर V अपॉन D। V क्या है यहाँ पर विभव, D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी। कहने का मतलब इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, इनका अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आ रहा है, आता या नहीं आता वो देखते हैं अपन, वैसे लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं। तो E बराबर V, विभव की थोड़ी देर पहले अब ये मैंने बताया था विभव W अपॉन Q होता है, विभव की जगह अपन लिख सकते हैं W अपॉन Q इनटू 1 अपॉन कितना आ रहा है V, इस V की जगह मैंने लिख दिया W अपॉन Q और 1 अपॉन D आ रहा है। E बराबर W क्या है कार्य, कार्य का सूत्र क्या होता है बल इनटू विस्थापन, बल इनटू विस्थापन, विस्थापन मैं मान लूं लिया बटे ये आवेश कितना हो गया आवेश क्यू, और ये विस्थापन को क्या है डी से प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, डी ले लेते हैं और ये नीचे डी है, डी से डी कट गया, ई बराबर मिला है नहीं मिला है अपॉन क्यू मिल गया। इसका मतलब है अपन जो E की वैल्यू लिख रहे हैं V अपॉन D वो क्या है सही है। अपन नेक्स्ट चैप्टर है, उस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के बीच में संबंध है, वो संबंध भी पढ़ेंगे, वो संबंध यही आएगा E बराबर dV ओवर dr या V अपॉन dr। आपको अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं इसलिए अपन इस तरीके से विमाओं के आधार पर अपन देख रहे हैं कि ये बात सब क्या है सही है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं V अपॉन D बराबर E लिख सकता हूं। उससे पहले क्या अपन क्या जानते हैं E की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लेट है ये कोई प्लेट है, इस प्लेट पर क्या फैला हुआ है आवेश फैला हुआ है, प्लेट कैसे बन गया अचानक प्लेट, यहां से इसके पृष्ठ के लंबवत इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा हूं मैं भेज रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं इस पर आ रहे हैं टकराने से पहले, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε₀, E बराबर सिग्मा अपॉन ये कोई चालक ले लीजिए ठीक है, ये पृष्ठ के लंबवत ये प्लेट है यू न्यू प्लेट है, ये पृष्ठ के लंबवत इस पर क्या हो रही है ये इस तरीके से इस पर, तो ये प्लेट इस तरीके से बन गई है अंदर की तरफ ठीक है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2ε₀, तो यहां सिग्मा अपॉन 2ε₀ चूंकि E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε₀, तो समीकरण दे देते हैं मैं
बी में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध पढ़ा था अभी? E बराबर V अपॉन D, ये तो पढ़ा है समीकरण एक से। E की जगह V अपॉन D रख दो, बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। किसका मान चाहिए? सिग्मा का मान, तो सिग्मा बराबर टू एप्सिलॉन जीरो V अपॉन कितना हो गया D। सारी वैल्यू अपने पास सिग्मा बराबर 2, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10^3, ये 10^3 हो गया। और डी की वैल्यू कितनी है? डी 5×10^-3। हल कर लो इसको, क्या आ जाएगा? सिग्मा बराबर इन दोनों का गुणा कर दिया, यहाँ कितना बन गया 10^-9 और ऊपर जाएगा प्लस हो गया 3 बटे में कितना गया 5। सिग्मा बराबर 5 का इसमें भाग दो कितनी बार जाएगा? 5×15 कितना बच गया? 15×2=17, 5×5=25। और 5×20 × 10^3 कितनी बच गई? -6। अतः सिग्मा बराबर 3.54, इसको बोल सकते हैं माइक्रो और मात्रक हो गया कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए अचालक प्लेट है, ये अचालक प्लेट की ओर लंबवत धागा जाता है, तो चालक पृष्ठ पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की जो गणना है वो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा। यदि ये यूं कह देता है, वैसे चालक प्लेट कह देता है, क्या कह देता है? चालक प्लेट। तो चालक प्लेट के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका भी मान हमारे पास कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी, इसको अपन हटा देंगे यहाँ से, और इसकी आ जाएगी हमारे पास 8.85 × 10^-6 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। अचालक प्लेट थी तो यहाँ पर क्या कह रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये प्लेट कौन सी है हमारे पास? चालक प्लेट है, तो चालक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का इनमें संबंध होता है E बराबर V अपॉन D। समीकरण एक से इनमें तुलना कर देंगे, तुलना करने के बाद में सिग्मा की वैल्यू इस तरीके से हमको क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है।
क्वेश्चन है एक 9×10⁵5 ग्राम द्रव्यमान का कण। एक समूह आवेशित लंबी क्षैतिज परत क्षैतिज परत जिस पर प्रश्न आवेश घनत्व जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5×10⁻¹ कूलाम बटे मीटर स्क्वायर ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है कण पर कितना आवेश होके इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे नहीं गिरे ये प्रश्न है। एक 9×10⁻¹ ग्राम द्रव्यमान का एक कण एक समूह आवेशित लंबी क्षैतिज परिनाली का बनी नली बनी थी परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ये दे रखा है 5×10⁻¹ कूलाम बटे मीटर स्क्वायर कुछ दूरी पर रखा जाता है तब कण पर कितना आवेश होके वो उसको स्वतंत्र छोड़ने पर वह नीचे नहीं गिरे। पहले तो आपको क्या दे रखा है ग्राम का द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन m से m बराबर 9×10⁻¹ ग्राम ये द्रव्यमान दे दिया लेकिन ये किस इकाई में CGS पद्धति किस पद्धति में है CGS और CGS पद्धति को अपन को किस में बदलना है अपन ऐसा ही पद्धति तो क्या करेंगे 9×10⁻¹ -3 ठीक है तो यहां पर हो जाएगा 9×10⁻¹ ठीक इसमें बदल दिया अपन ने किस पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा को किससे बदल पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से 5×10⁻¹ कूलाम बटे आप देखो सवाल पे आओ कितने द्रव्यमान का कोई कण हो गए n द्रव्यमान का कोई कण हो गया आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतना ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है उसके ऊपर कुछ दूरी पर क्या किया जाता है रखा जाता है कण पर कितना आवेश होके इस पर क्या पूछ रहा है आवेश का मान देखिए ये कण नीचे की तरफ क्या लगाएगा
बाहर बल लगाएगा, नीचे की तरफ क्या लगाएगा, बाहर बल, और बाहर बल कितना होता है एम जी। संतुलन की अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में जब छोड़ेंगे तो वहीं पर ठहरा रहेगा, तो उसके लिए ऊपर की तरफ बराबर की तरफ क्या लगेंगे, फोर्स लगेगा, अर्थात संतुलन की अवस्था में बराबर कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। दोबारा देखिए, ये कोई प्लेट है, ठीक है, उस प्लेट से कुछ दूरी पर प्लेट के, ये प्लेट होगी ये, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक कण उपस्थित है, इस कण का आवेश अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, कितना आवेश का कण दे। तो ये कण मान लीजिए इस पर आवेश कितना है, क्यू है, आवेश कितना है, क्यू, तो क्यू आवेश का कोई कण है, ये कण क्या नीचे की तरफ क्या लगाएगा, बाहर वाला, और ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एक फोर्स, स्वतंत्रता की अवस्था में यही करोगे, संतुलन की अवस्था में जब m बराबर कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, अर्थात माना कण का आवेश, कण का आवेश क्यों है, तो संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में f बराबर कितना हो जाएगा, mg, f बराबर mg, संतुलन की अवस्था होगी या नहीं होगी। अब देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या दे रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, इसका मतलब है आपको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हम f बराबर क्या जानते हैं, qe जानते नहीं है, यहां देखिए क्योंकि E बराबर होता है F अपॉन Q, तो F बराबर कितना Q, इस F की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, QE बराबर mg, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। अब देखिए इस E का मान कितना रखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये जो प्लेट है, इस प्लेट, इस तरीके से प्लेट है, ठीक है, इसके यहाँ पर क्या फैला हुआ, आवेश, ठीक, तो आवेश फैला हुआ, तो ये हमारे पास ये पूरी क्या होगी, इस तरीके से तो होगी प्लेट, इस प्लेट की क्या होगी, अंदर होगा, प्लेट के अंदर होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो E की वैल्यू कितनी रखूंगा, 0, Q इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर एम जी, इसका मान चाहिए अपन को, आवेश का मान, ये वैल्यू रख देंगे अपन, ये वैल्यू रखो, क्यू बराबर एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 × 10⁻¹ जी, जी का मान कितना होता है, 9.8, कितना होता है, 9.8, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.85⁻²⁰ सिग्मा का मान कितना है हमारे पास, 5 × 10⁵ ये माइनस 5 को हटा देते हैं, कितनी रहेगी, -7 रहेगी यहाँ पर। अब देखिए इसको हल करना है, हल कीजिए, गुणा भाग करना है, तो Q बराबर ये कटे नॉन से बेहतर और 9 × 81 और 81 × 7 = 88 इनटू 8.85 गुणा 7 × 8 कितना हो गया, 10⁻¹⁵ बटे में कितना हो गया, 5, इसको गुणा भाग कर लेना, और गुणा भाग करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 3.12 × 10⁻³⁰, ये क्या हो जाएगा, आवेश का मान को प्राप्त हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए,
एक 9×10⁻¹ ग्राम एम का मान हमारे पास कितना गया 9×10⁻¹ ग्राम। ग्राम को इसमें बदलना है, तो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति को ऐसे पद्धति में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन, 10⁻³ से पता है ना, ये हल कर लिया 9×10⁻¹ के लिए सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5×10⁻¹ कूलम बटे मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कण का आवेश कितना दे दिया q, मान लिया अपन q का आवेश कितना है q, ये कह रहा है आवेशित लंबी क्षैतिज परत के ऊपर कुछ दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है। मान लीजिए कण रखा है ये, इसका आवेश कितना है q, ये कण होगा, कण का क्या होगा कुछ न कुछ बाहर बल होगा, बाहर बल कितना हो गया mg, बाहर बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वो कितना लगता है mg लगता है। इसको संतुलन की अवस्था में रखने के लिए एक और बल कार्य करेगा ऊपर की तरफ, वो F बल है। हम ये कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में F बराबर कितना हो जाएगा mg बराबर हो जाएगा, तो F बराबर कितना हो गया mg। हम जानते हैं क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, हमको डायरेक्टली फोर्स का मान पता नहीं है, फोर्स का मान पता होता तो हम डायरेक्टली F बराबर mg से अपन क्या कर लेते हैं ले लेते, तब हमको आवेश का मान हमको प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं F बराबर कितना होता है QE, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से E बराबर F पर Q होता है, F बराबर कितना हो जाएगा QE, तो QE बराबर कितना हो गया mg, तो E बराबर, अब E के लिए क्या करेंगे मान निकालेंगे, E बराबर कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, E का मान कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। इनको दो से और गुणा करना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, क्योंकि प्लेट कैसी है, प्लेट हमारे पास कैसी है, ये इस तरीके की प्लेट है, इस पर अपन ने गाउसियन प्लेट टेस्ट लिया था, ये तो बाहर की तरफ भी निकल के आया था, ठीक है, इससे ऊपर की तरफ हमारे पास क्या था एक कण उपस्थित था, ऊपर की तरफ कण, तो इस पर क्या लगेगा इस तरीके से बाहर वाला ऊपर की तरफ क्या लगेगा बल, तो F बराबर कितना हो जाएगा mg, इसलिए E का मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसको अपन क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, हल करने के बाद में 2 एप्सिलॉन 0 mg आ गया, ये हो गया, ये हो गया 2 बराबर, इससे गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में ये वैल्यू हमारे पास आवेश के मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ हो गई, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है +4 माइक्रो कूलम +6 माइक्रो कूलम +6 माइक्रो कूलम +3 माइक्रो कूलम वे -9 माइक्रो कूलम के चार आवेश किसी के चार आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है, तथा +8 माइक्रो कूलम का आवेश
प्लस 8 माइक्रो कूलम का आवेश पृष्ठ के बाहर है। क्वेश्चन पूछता है बड़े क्वेश्चन के साथ में 2019 में भी प्रश्न पूछा था, लेकिन 2019 में इस तरीके से नहीं पूछा था। उसने क्या किया, बंद पृष्ठ के अंदर कुछ जो आवेश है वो आवेश दे दिए और उससे निर्गत फ्लक्स का मान पूछा था। देखिए प्लस 4 माइक्रो कूलम प्लस 6 माइक्रो कूलम प्लस 3 माइक्रो कूलम और माइनस 9 माइक्रो कूलम के चार आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित। ये कह रहा है हमसे ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में कितने आवेश हैं, प्लस 4 माइक्रो कूलम और क्या कह रहा है प्लस 6 माइक्रो कूलम और कह रहा है प्लस 3 माइक्रो कूलम और माइनस 9 माइक्रो। ये कह रहा है हमसे पृष्ठ के भीतर तो हमारे पास 4 आवेश है तथा प्लस 8 माइक्रो कूलम का आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित है, यहाँ प्लस 8 माइक्रो कूलम स्थित है, तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, 2019 में ये चित्र बना दिया और चित्र बनाने के पश्चात इसके अंदर क्या दे दिए थे, आवेश दे दिए थे। ये आवेश की संख्या है, वो संख्या क्या कर देती है, चेंज कर देती है और निर्गत कुल फ्लक्स का मान पूछा था। तो देखिए कभी भी जो फ्लक्स होगा, निर्गत जो फ्लक्स होगा कोई बंद पृष्ठ होगा, उस बंद पृष्ठ से ही निर्गत फ्लक्स होगा। बाहर कितना भी आवेश उपस्थित हो उस आवेश पर उस फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत या बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का मान है, वो आवेश का मान हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे और आवेश का मान ज्ञात करते ही निर्गत फ्लक्स का मान गॉस की कमी से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, समेशन क्यू से। सभी आवेशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जब बंद पृष्ठ के अंदर है तो बंद पृष्ठ में क्या क्या है, प्लस 4 माइक्रो कूलम प्लस 6 माइक्रो कूलम, चिन्ह सही के काम में लेते हैं, 3 माइक्रो कूलम और माइनस 9 माइक्रो कूलम, चिन्ह सही के काम में ले लिया अपन। समेशन क्यू बराबर ये वो 6 3 9 ये तो आपस में कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 माइक्रो कूलम बन जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 माइक्रो। अब न्यूमेरिकल हल करते समय माइक्रो को क्या करना पड़ेगा, अपन को हटाना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर दो, समेशन क्यू बराबर 4 गुना माइक्रो को हटाऊंगा 10 की पावर 6 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 10 की पावर 6। अब क्या कह रहा है, पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई, फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से, समेशन की ओर होने चलन जी, अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁶ बटे एथलन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻²। इसको हल कर लेते हैं, हल कर लीजिए इसको, तो 5 बराबर 10⁻², ऊपर जाएगा
चार गुना दस की पावर माइनस है अपना दस की पावर प्लस बारह हो जाता है और एट एट फाइव गुना दो जीरो लगाने नहीं होगा, ये कितने हो गए 400। ठीक है, फाइव बराबर एक जीरो इससे हम ले लेंगे तो 4000 गुना दस की पावर माइनस कितना बन जाएगा 5 प्लस का 5 बटे में 885। इसका भाग दे देंगे 4000 में 885 का भाग देंगे और 4000 में 885 का जैसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 832 लगभग 4000। ठीक है, पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे तो 8 5 20 8 32 234 और 8 32 और 3 कितना हो गया 35। 4000 में से ही मेरा तो कितना हो गया 60, ये कितना बच गया 4। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इतना जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होगा इसमें से निर्गत होगा, ये जो बाहर जो है 8 माइक्रो कूलम है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,